अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरिफ व्लॉगर। तो जी कैसे आप, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जी देखें, माशाल्लाह मैं आ गया सुबह सुबह अपने पोल्ट्री फार्म में, गोल्डन मुर्गी के फार्म में। मैंने कहा चलो इनको खाना दे देते हैं, ये डब्बे मैं एक साइड में बना कर रख दूँ, फिर जो है ना ये इसको खाना देते हैं। आज जो है ना हमारा अरबाब, हमने बोला था डब्बे लेने के लिए, खुराक के डब्बे जो है ना वो लेके आए हमारा अरबाब। ये देखें जी, ये देखें, ये डब्बे लेके आए अरबाब, ये हमारे छोटे चूजे हैं ना मुर्गी के, उसके लिए। अभी जो है ना मैं फिर इसमें भी पानी भर के रखूँगा इनको। ये तीन डब्बे खुराक के हैं, तीन डब्बे पानी के हैं, ये देखे रखे हैं। ये जो है ना मैं छोटे बच्चे को रखूँगा पानी इसमें, वो जो छोटे बच्चे हैं ना मुर्गी के चूहे उसको, और वो जो खड़े हैं उसको, ताकि ये जो होते हैं ना ये बहर में होते हैं, इसको पानी बहर में रखा हुआ है। और ये देखें जी, ये हमारी बड़ी मुर्गी अंडे वाली, माशाल्लाह इसमें देसी मुर्गी तो पूरी देसी मुर्गी है, गोल्डन नहीं है। गोल्डन मुर्गी जो है ना हमारी वो इस साइड में है जी, देखें माशाल्लाह। ये देखें, इसको बाहर निकलने का बहुत शौक हो रहा है। इसको जो है ना अभी मैं पहले खाना दे देता हूँ डब्बे में, फिर जो है ना इसको बाहर में खुला कर देते हैं। चलो जी पहले इसको खुला करते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखें जी माशाल्लाह, ये हमारी गोल्डन मुर्गी ये वाली, ये देखें माशाल्लाह। और गोल्डन मुर्गी के चूजे देखें, मुर्गे इनकी ग्रोथ देखें माशाल्लाह। सादा सी खुराक मिलती है अभी इनको, और अभी से ये देखें तकरीबन 2 किलो के बराबर हो गया है, 2 किलो से ऊपर होगा मेरे ख्याल में, या 2 किलो का ये जो मुर्गा है ना हमारे गोल्डन मुर्गी का। ये चेक करें, ये कम से कम जो है ना 6 से 7 किलो का हो जाएगा, जब 3 महीने 4 महीने बाद तक, ये जब थोड़ा बलग हो जाएगा उस वक्त तक। ये अभी सिर्फ 4 महीने के हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये हमारी गोल्डन फ्रांसी गोल्डन मुर्गी है जी, है ना। ये जो है ना इसके देखें माशाल्लाह, इसमें जो है ना मुर्गे ज़्यादा हैं, मुर्गियां थोड़ी हैं। ये देखें मुर्गी थोड़ी है और मुर्गे देखें माशाल्लाह, जो भी मोटा डंडन होगा वो मुर्गा होगा पूरा। और ये वो देखें, वो आ रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह इनकी ग्रोथ चेक करें। जो ये फ्रांसी गोल्डन मुर्गी है जी माशाल्लाह, हमने बोला थोड़ी मुर्गी ज़्यादा होगी, लेकिन ये मुर्गे ज़्यादा हो गए माशाल्लाह। इसका चेक करें जी, बहुत ही अच्छी नस्ल की है ये। और जो बाकी मुर्गी है हमारी, ये देखे हो गई, ये हमारे पास पहले से मुर्गी है अंडे देने वाली देसी मुर्गी, उसके देसी चूजे जो है ना वो देखें वो भी हैं, लेकिन गोल्डन मुर्गी को चेक करें जी माशाल्लाह। ये सादा सी खुराक देते हूँ मैं, और इसी खुराक से जो है ना, ये देखें ये खुराक होती है जौ, और ये मकई का दाना होता है, ये ठंडा होता है जौ जो होता है, इससे जो है ना मुर्गी की हेल्दी है, मुर्गी जो है ना हेल्दी रहती है, और इसके जो है ना बीमारी नहीं लगती। और इसी खुराक से जो है ना हमारे, ये चेक करें गोल्डन मुर्गी के चूजे, उसको देखें अपने आपस में लड़ाई हो गई जो है ना, बाहर वाले बाहर निकालते हैं हम अपनी गोल्ड अंडे वाली मुर्गी को। आ जाओ भी आ जाओ, माशाल्लाह। तो देखें जी माशाल्लाह, इधर आपको दिखाऊं, एक है जी बालक बच्चा जो है वो देखे डब्बे के ऊपर बैठा हुआ है, वो सामने बैठा हुआ है, ये बांग दे रहा है अभी से भी, देखें माशाल्लाह। ये अभी बालक हो गया जी, इसमें गोल्डन मुर्गी के चूजे हैं जो ना वो थोड़े हैं, बाकी और देसी मुर्गी है। इसमें जो है ना मुर्गे मुझे भी ज़्यादा दिख रहे हैं, और इसमें जो है ना हमारे वो केरला मुर्गी के चूजे भी बहुत हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन मुर्गी जो है ना, इसकी 4 महीने में इसकी ग्रोथ देखिए, देखिए माशाल्लाह, ये सिर्फ 4 महीने का चूजा है, चेक करें।
अभी से आपको पता चल रहा होगा कि इसका वजन कितना है। उधर देखें, ये पूरी इधर है, ये पूरा गुफा है, एक कनाल का है। इसमें सारे में मैंने जो है ना जाल लगाया हुआ है अच्छी तरह, साइड से पूरे में ये बंद किया हुआ है, और ये इधर ही घूमती रहती है सारा दिन। और हमारे पास जो है ना चूगे, इसमें जो है ना चूगे गोल्डन मुर्गी के भी हैं और ज़्यादातर देसी मुर्गी है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये चूगे भी हमने रखे हुए हैं, और वो जो सामान लेके आए अरबाब वो इनके लिए है। इनको इसमें खाना भी देंगे और पानी भी उसमें देंगे। पहले मैं जो है ना पानी इस डब्बे में देता था, इस डब्बे में, लेकिन अभी इसमें नहीं देगा। अभी इसका जो है ना वो डब्बे आ गए हैं, बर्तन आ गए हैं पानी वाले। और इसमें हमारी जो तितरी है वो भी है, ये देखें। और ये एक है छोटा, तीन तितरी है जी माशाल्लाह। पहले जो है ना इधर अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना इसको खाना देते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह, मैंने जो है ना इधर अच्छी तरह से सफाई कर दिया है, ये चेक करें। अभी जो है ना इनको खाना देते हैं, इनके जो नए बर्तन हैं उसमें। ये हैं जी इसके नए बर्तन, इसमें इनको खाना दे देते हैं। ये पानी वाले बर्तन हैं, ये है जी खाने के बर्तन, और ये इसके डब्बे। ये देखेंगे माशाल्लाह, अभी जो है ना ये सिर्फ एक महीना यानी कि सितंबर के आखिर में या सितंबर में जो है ना ये अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। हमारी जो कुछ मुर्गी है वो अंडे दे रही हैं, ज़्यादा नहीं दे रही, वो चार महीने के हो के फिर अंडे देना शुरू कर दिए। लेकिन जो हमारी ये गोल्डन मुर्गी है ना, ये अंडे देगी सितंबर के आखिर में, यानी कि ये साढ़े चार महीने में या पाँच महीने में अंडे देना स्टार्ट करती है। जो देसी मुर्गी है वो जल्दी दे देती है। इसमें से कुछ जो मुर्गी है ना वो अंडे दे रही हैं, दो तीन मुर्गी, ज़्यादा नहीं दे रही माशाल्लाह। ये अगर ये सितंबर के आखिरी महीने में जाना, आखिर में जो है ना ये अंडे देना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। फिर जो है ना ये साढ़े चार महीने पाँच महीने के हो जाएंगे सितंबर के आखिर में, फिर इंशाल्लाह ये अंडे देना स्टार्ट करेंगी। और मैं इनके अंडे भी आप लोगों को दिखाऊंगा, इनकी देखिए माशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह, मैंने जो है ना पानी भी रख दिया और इनको डब्बे में खुराक भी दे दी। ये देखें जी, ये एक तरीका होता है, साइड साइड में अगर इतना छोटा सा पिंजरा है तो उसके एक साइड में खाना रखें, एक दूसरी साइड में एक आप बीच में पानी, ताकि ये इधर से साइड से घूम सकें अच्छी तरह से। अभी ये चेक करें माशाल्लाह। तो देखें जी, मैंने जो है ना इधर भी पानी दे दिया और खुराक भी दे दी हमारे ये छोटे चूज़े जो है ना मुर्गी के, ये डेढ़ महीने के, एक डेढ़ महीने के चूज़े हैं जी हमारे पास। गोल्डन मुर्गी भी है इसमें साथ में, गोल्डन चूज़े। और ये देखें, मैंने जो है ना इसका पानी रस्सी के साथ ऊपर बंद कर दिया ज़मीन से ऊपर, ताकि इसमें जो है ना मिट्टी वगैरह नहीं जाए और ये पानी जो है ना साफ खड़ा रहे, और ये पानी अच्छी तरह से पी सकें, ख़राब भी नहीं होगा। तो जो मैंने जो है ना अभी अपनी गोल्डन मुर्गी को जो है ना खाना भी दे दिया और पानी भी दे दिया, और हमारे जो चूज़े अंदर में है उसको भी पानी और खाना सारा को दे दिया माशाल्लाह जी। देखें हमारी फ्रांसी गोल्डन मुर्गी, इसको मैंने आपको बता दिया कि ये हम सादा थी खुराक देते हैं, और इंशाल्लाह ये एक महीने तक अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। गोल्डन मुर्गी जिधर भी आप रखें उसकी सफाई होनी चाहिए, उस गुरफे की गोल्ड वो जैसे है, मैं उधर रखता हूँ उसकी, मैं सफाई कर देता हूँ, ब्रश लगा देता हूँ, ताकि इसके कोई बीमारी ना लगे ना, और आंखें ख़राब भी नहीं हों। तो जी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।